आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश आज के मुख्य समाचार। मैं श्री अकाल तख्त साहिब के सभी फैसलों का दिल से करता हूं सम्मान, कहा मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने। 10,000 बच्चों ने एक साथ किया डांस, नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए आयोजित कार्यक्रम में की रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। रिसर्च सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की 25वीं वर्षगांठ के संबंध में किया गया एक सेमिनार। अब खबरें विस्तार से। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह को दिए गए माफीनामे के बाद सियासी नेताओं के निशाने पर आए पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि विरोधी पार्टियों का तो काम ही एतराज करना होता है। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब से जारी हुए हर हुक्म का वह दिल से सम्मान करते हैं और उसे सिर माथे प्रवान करते हैं। इस पूर्व रैली में अपने संबोधन के दौरान कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने श्रोमणी अकाली दल की तुलना हीरो होंडा मोटरसाइकिल के साथ की और कहा कि हीरो होंडा की ही तरह शियत भी अधिक माइलेज के साथ साथ भरोसेमंद पार्टी है। देखो, मैं इस गल इस करके नहीं कहना चाहता कि श्री अकाल तख्त साहब संस्था जी है उसके फैसले से कोई इधर उधर नहीं कर सकता, ना मैं गल कर सकता। अगे भी कई बार प्रश्न पूछा पर मैं कोई इस पर गल नहीं कर सकता और सारी जिंदगी मेरी हो गई है जो उतों कद कोई भी हुक्म आया उन्होंने सिर मत इलेक्शन इलेक्शन तो आते रहते हैं, पता की होना की नहीं होना, यह है फिर टूशनबाजी होती है। देखो, अपोजिशन जी है जे लोग एक दूजे इतराज करते हैं वो इतराज करने इतराज करते सच्चाई च नहीं जाते, बिल्कुल एक एक दाना चक्या जाएगा, कोई कमी भी थोड़ी बहुत, वैसे इंतजाम सारे मुकम्मल है, टोटल है। और आप मैं ध्यान दे रहा, सुखबीर आप भी ध्यान दे रहे हैं, फूड मिनिस्टर भी ध्यान दे रहे हैं, अफसर सारे लाए हैं। ये किसान रत्ती पर भी तकलीफ, स्पेशल देखो जी बासमती होंगी है वैसे तो वो MSP नहीं होती बासमती, लेकिन असी 1509 वास्ते स्पेशल उतो इजाजत ली है कि तुम ए ग्रेड जरा चुनना है वो हिसाब न सारी सरकार की जिम्मेवारी है। अभी सारी अर्ज है जी, वो इंक्वायरी चल रही है, दो तरह की इंक्वायरी चल रही है, एक है तीन पहली हर है तीन IG ते एक जो सब तो वाला क्राइम का अफसर है ADGP क्राइम इनकारी इंक्वायरी चल रही, वो इस पक्ष तो इंक्वायरी कर रहे, दो पक्ष है ये, एक तो पक्ष है कि जी कोई गलत दवाई जिन्हों आप मिलावट वाली कह लो जो भी मर्जी दसते माड़ी दवाई क्यों आई किमें आई किमें सारे थोड़े दिन से उन्होंने रिपोर्ट है। एक महकमा एग्रीकल्चर के सैकटरी कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जोड़ा प्रोक्योर दवाई खरीदने वास्ते तौर तरीका हों जो कानून होंगे कोई किसी ने गड़बड़ता नहीं की, इस करके बड़ी माड़ी गल है। मैं नहीं ये मैं चाहता कि यह बहुत व्डा नुकसान हो अनबेरेबल नुकसान हो, मेरी जिंदगी अपनी च भी किसानों का एडा वा नुकसान नहीं कभी होया जिन्ना ऐ। देखो गल है जो इनकुआरी हो रही उदो चीफ मिनिस्टर इनकुआरी तो आपका व्यू दे जो दे चंगा नहीं लगता। देखो हर चीज़ का सिस्टम हों, इनक्वायरी आ जानी है पता लग जाना है, ये कोई छुट्टी की गलत है। अब जेड़ा कांग्रेस का लीडर या नवी पार्टी जेड़ी बनी है साल पहला जन्म होया ते साल के अंदर अंदर भोखंड के किनारे काम आया गया, आप पता नहीं कहते अच्छी कहोंगे तो राजनीति हो जाती है। धर्मवीर गांधी की कहते हैं जेड़े खालसा जी है वो की कहते हैं कि आप जेड़ी है पार्टी है जेड़ी सोच ना बनी सी अज वो सोच ते काम नहीं कर रही। मैं जेड़ी गल करता सी कि सूबे की सरकार को एको चीज सी थोड़ू देने ली, सरदार बादल ने बंबिया के फिर माफ करते, समझते हो कि शायद सरकार को भी माफ है
ਜਿੰਨੇ 14-15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ 1400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ ਮਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਓ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ एक नए आयाम से जुड़ गई जब एक साथ 10,000 बच्चों ने नशों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे दस्तक दी। दरअसल नशे के खिलाफ एक आवाज़ जिसने की नशे के सौदागरों को एक आवाज़ दी कि हम नशे के खिलाफ हैं उसको अमृतसर के खालसा कॉलेज में बुलंद किया गया और 10,000 के करीब बच्चों ने 6 मिनट तक नाच कर एक नए रिकॉर्ड को कायम किया। इससे पहले मुंबई में 4400 के करीब बच्चों ने एक साथ डांस किया था। देखिए ये मैसेज जरूरी है, जरूरी था भी, और मैं समझता हूँ कि जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें जो लीड ले रहा है मुझे बहुत खुशी है, और इस लीड में हमारे जिगरी दोस्त हैं विक्रमजीत सिंह सानी, उनकी ये फाउंडेशन है सन फाउंडेशन, जिन्होंने ये लीड ली है और उसका मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये शहर मेरा है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने यहाँ एजुकेशन यहाँ ली है। अब रोटी की खातिर दिल्ली जाना रहना पड़ गया वो अलग बात है, बट मेरा जो सुकून है, मेरा जो जुनून है वो यहीं से पैदा हुआ। स्पोर्ट्स की वही तो एक्टिविटी ज़रूरी है, मैं उसी के लिए आया हूँ, और अभी भी अगर मैं इन बच्चों को थोड़ा बहुत गाइड कर सकूँ या डायरेक्शन दे सकूँ, मैं समझूंगा कि गुरु महाराज ने बहुत मेरे पे कृपा की। सन फाउंडेशन और DC साहब रवि भगत जी के साथ मिलके हम ने जो 10,000 यूथ को आज यहाँ खालसा कॉलेज अमृतसर में इकट्ठा करके वो प्लेज ले रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो यंग बच्चों की मॉरल एजुकेशन और यंग बच्चे अगर ये प्लेज लेंगे तो एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, और हम आज सन फाउंडेशन स्वामी विवेकानंद ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर के साथ भी पार्टनर कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी ड्रग किसी वजह से नौजवान गुमराह हो चुके हैं उनको डी एडिक्शन सेंटर में लाया जाएगा और उनको मेडिसिन्स के साथ साथ हम रिहैबिलिटेट करेंगे। हम वहाँ पे कोई 12 स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैकेनिक्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रिशियन, IT और फिर उनको मोटिवेशनल थेरेपी दी जाएगी, योगा, मेडिटेशन, ताकि उनका माइंडसेट चेंज हो सके, और फिर हम उनको जॉब्स प्रोवाइड करने में असिस्टेंस देंगे। तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सन फाउंडेशन और स्वामी विवेकानंदा ड्रग रिहैब सेंटर मिलके भी आज ये करेगी। इसका बच्चों के साथ मेन उपलक्ष्य यही था कि लोग कहते हैं कैच देम यंग, तो ड्रग्स की अवेयरनेस अगर बचपन से होगी तो बहुत ज़रूरी है कि इनको मोटिवेट करना कि ड्रग्स कितनी नामुराद बीमारी है जो हमारे समाज को ख़राब कर रही है। तो अमृतसर में ये मैसेज देना वर्ल्ड ओवर कि हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ऐसे जवान वर्ग हैं जो नशा नहीं कर रहे हैं, मैसेज देना कि जो गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि हम लोग सब यहाँ नशा कर रहे हैं, इट्स नॉट राइट, वी ऑल आर कमिटेड कि वी आर ड्रग्स फ्री एंड द सोसाइटी इज़ वेरी मच अगेंस्ट द ड्रग्स। तो ये मैसेज लेके ये बच्चे आज आए हैं। हम लोग जो है स्पेशली डी एडिक्ट करके रिहैबिलिटेशन सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से चला रहे हैं, वहाँ पे हमने सेंटर खोला स्किल डेवलपमेंट का, जो वहाँ बच्चे डी एडिक्ट होकर रिहैबिलिटेशन में आते हैं उसको स्किल डेवलपमेंट हुनर दिया जाता है ताकि वो अपना रोजगार खुद शुरू कर दें और उनको लोन भी दिलवाए जाते हैं। कोशिश यही है कि जो लोग डी एडिक्ट हो गए फिर रिहैबिलिट करने के लिए उनको 3 महीने रख के हम लोग स्किल डेवलपमेंट करके उनकी रिहैबिलिटेशन सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में की जाए। ठीक है सर।
अमृतसर के रंजीत एवेन्यू इलाके में राजेश नाम के युवक के द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसने कि अपने किराए के घर में अपने आप को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या तब की जब उसकी पत्नी सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी। इस पर परिवार वालों का कहना है कि मृतक काफी दिनों से परेशान रहता था, क्योंकि जिस जगह पर वह काम कर रहा था वहां के कुछ लोगों द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। मसला यार है, पता नहीं, घरेलू टेंशन ही मेरे ख्याल से तो ये हो, बाकी तो मैनू इन्ना ना पता, पर फिर भी मतलब सवेरे सवेरे 5:30 बजे गड्डी धोन जाता है, तो 5:30 बजे उठा ये घर दिनों सद्या कि उठो मैं जाना गड्डी धोन, तो ये घर दिन ने क्या होना कि ना अज मैं जा नहीं सकता कोई भी, मतलब बाद से मेरा 5:30 बजे सो गया ही ये घर दिन, ये चल गया घर दिन ने सोचा कि चल गया होना गड्डी धोन, तो आमदे पैर ना इन्हें फां लाता ही। अरे ये ना राजेश नाम का भैया ही, ये दोवें मियाँ बीबी तो कहने की बच्ची 6 साल की उत्थे कोठी 11 नंबर कोठी रजीत उन्होंने रह रहे, यदि जी घरवाली वह भी कोठी वाले का काम करती, तो जोड़ा भैया यह भी बाहर काम करता, तो करते कहती कि थोड़े दिनों तो कोई परेशान रहा ही, तो सवेरे 5:30 बजे उठा भी काम से चलिया, ये गड्डिया धोता है, कारा कुरा धोता है, वो भी पैसे वक्रे लिंदा ही लोगों को, तो उसे 5:30 बजे कहती उठा, तो मैं कहती फिर सौ गई हाँ, जब दोबारा 7 बजे उठी तो यदि जी डेड बॉडी आ दरख्त ना टक लपकी कोठी के अंदर ही अंब का दरख्त ही, वो नाने रस्सी पाई, रस्सी पा के तो अपने गल च पाली थले लमकिया, बस और अं 174 की कार्रवाई की है जी, जे कोई अगे होर कोई मसला सामने आएगा तो फिर उस मुताबिक कार्रवाई। रिसर्च सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की 25वीं वर्षगांठ श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ रिसर्च सेमिनार श्री अमृतसर में 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसमें देश विदेश के सभी डॉक्टर साहिबान उपस्थित होंगे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन जथेदार अवतार सिंह मक्कड़ जी, प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और चेयरमैन श्री गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल ट्रस्ट ने किया। इस सेमिनार में करीब 500 डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आए हुए सभी मेहमानों को सम्मानित भी किया गया। असी 2-3-4 अक्टूबर को अपनी नैशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनेस्थीसिया रिसर्च सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। ये 25वीं सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस हैगी है, ये सारे देश विदेशों तो डॉक्टर्स आए हैं, ये पार्टीसपेट करने लिए, ये अपने लैक्चर देने लिए, ये एक दिन की वर्कशॉप सी जिदे अप्रोक्सीमेटली 250 लोगों ने तो फायदा उठाया, तो अज जी 2-3-4 तरीक नी कॉन्फ्रेंस हैगी है, जिद बहुत सारे लोग अप्रोक्सीमेटली 500 लोग रजिस्टर्ड है और इस का फायदा उठाएंगे। ये जड़े वक् वक् जड़े हिस्से है साड़ी स्पेशलिटी के, जिदा कि एनेस्थीसिया है, पेन मैनेजमेंट हैगी है, क्रिटिकल केयर हैगी, जो पेशेंट्स आईसीयू च दाखिल होंगे उन्होंने बारे जो भी लेटेस्ट एडवांसिज है, जी सेफ्टी जी चाहिए है उन्होंने, अजकल जिस तरह कि तुम देखिए कि कई इदा के इंसीडेंट्स हो जाते हैं जिन्हों के मरीजों का कॉम्प्लीकेशन आदि है, ये सारियां अवॉइड किदा किया जाए, कि इन्हों का लोड़ हैगी अवॉइड करने की, किनिया जाना बच सकती है इस दे नाल, ते वो सारी चीज़ बारे विषय पर चर्चा होएगी। और यदा जरा थीम भी हैगा वह हैगा कि यदि प्रूडेंट एनेस्थीसिया द इटरनल कंसर्न, मतलब कि जिन्ना सेफ एनेस्थीसिया साड़ी हमेशा साड़ी यह चाहत हैगी है कि सेफ एनेस्थीसिया हो, ताकि लोगों ने जा RSACP 2015 की जी एनेस्थीसिया के संबंध में कॉन्फ्रेंस है गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च दे विच करवाई जा रही है और अज उहदा इनॉग्रेशन किया गया, और मैं समझदा कि एनेस्थीसिया बड़ी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस का, जिदी के बड़ी सख्त ऑपरेशन यानी सर्जरी के समय के बड़ी लोड होंगी है और इंटेंसिव केयर वक्त भी यदि बड़ी वड्डी लोड होंगी है, और इस वास्ते यदी रिसर्च करनी, ये होर डिवेलपमेंट्स करनिया, ये अपडेट करना, वो संबंध में जी कॉन्फ्रेंस जी हर साल की जाए वक् थावान।
ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਟੀ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਟੀ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਚੰਗੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇ ਕਸਬਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਔਰ ਇਸਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਖੇਤਰੋਂ ਮੇਂ ਅਵੈਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾ ਕਾਮ ਜ਼ੋਰੋਂ ਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਂਵ ਵਾਸੀਓਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਇਸਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾ ਕਾਮ ਜ਼ੋਰੋਂ ਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਪਰ ਕਈ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਇਸਕੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕਰ ਚੁਕਾਨੀ ਪੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਹੌਂਸਲੇ ਇਤਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿ ਲੋਕ ਪੁਲੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ੋਂ ਕਾ ਭੀ ਉਲੰਘਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਡੀ ਡੀ ਓ ਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀ ਡੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਗ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਦੌੜ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਸੀ ਬੀ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌੜ ਗਏ ਆ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਪੈਰਾਂ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਖਨਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਨਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਏ, ਫੋਗਲਾਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣੀਆਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਦੋ ਫੋਗਲਾਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮੇਂ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 1509 ਕੀ ਖਰੀਦ ਕੋ ਲੇਕਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਖੇਮਕਰਨ ਕੋ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਕੋ ਰੋਕ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀ। ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੀ ਫਸਲ 1509 ਕਾ ਯੋਗ੍ਯ ਮੁੱਲ 4500 ਪੱਕਾ ਕੀਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਕੋ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਜਾਏ ਤਥਾ 1121 ਕਾ 5000 ਪੱਕਾ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਕੀ ਮੰਗੋ ਕੋ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਆ ਤੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੋਗੀ। यूपी के दादरी कांड को लेकर सियासत और गर्माती जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब पीड़ित परिवार से मिलने बिसेहड़ा जा रहे थे तो उनकी गाड़ी गांव के बाहर ही रोक ली गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू नीतीश मिलकर जंगलराज 2 लाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भागलपुर रैली में पीएम श्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सोनिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कुछ उद्योगपतियों को छोड़कर सभी परेशान हैं। टीम इंडिया के स्टार बैट्समैन विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में अपना 28वां रन बनाते ही 1000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
किंग खान ने अपनी आने वाली फिल्म दिलवाले में उनके साथ काम कर रहे एक्टर वरुण धवन की तारीफ करते हुए उन्हें काफी मेहनती बताया है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मैं श्री अकाल तख्त साहिब के सभी फैंसलों का दिल से करता हूं सम्मान, कहा मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने। 10,000 बच्चों ने एक साथ किया डांस, नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए आयोजित कार्यक्रम में की रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। रिसर्च सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की 25वीं वर्षगांठ के संबंध में किया गया एक सेमिनार। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं, कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त।